दोस्तों आईपीएल 2024 के हाई वोल्टेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ खेलते हुए जैसे ही ऋषभ पंत के साथ बड़ी दुर्घटना घटी, उसके बाद दोस्तों सभी क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लग गया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं ऐसा भाई ऋषभ पंत के साथ क्या हो गया जिससे कि आज ऋषभ पंत मरते मरते बच गए। आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज आईपीएल 2024 का 64वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और वही लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मगर दोस्तों इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम 13.3 ओवर तक 130 रन के स्कोर पर नाबाद है 3 विकेट खोने के बाद। मगर दोस्तों आपको बता दें मामला उस वक्त का है जब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से बैटिंग कर रहे थे ऋषभ पंत और वही लखनऊ सुपर जॉयंट्स की ओर से 11वां ओवर लेके आए थे कुणाल पांड्या। जैसे ही कुणाल पांड्या ने 11वें ओवर की पांचवी गेंद कराई तो उस पर स्लिप में शॉट लगाने के बाद ऋषभ पंत रन के लिए दौड़ रहे थे, तभी दोस्तों दूसरी तरफ से अभिषेक पोरेल आ गए और दोनों आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत वहीं की वहीं पड़े रह गए। उसके बाद दोस्तों लाइव मैच के दौरान ही डॉक्टर्स भी देखने आए थे ऋषभ पंत को, लेकिन दोस्तों इस समय ऋषभ पंत एकदम सही सलामत है और इस तरीके से ऋषभ पंत मरते मरते बच गए।